नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल सेट जी के पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो कौन सा देश बनेगा? फ्रांस बनेगा। भारत का सबसे अधिक माल ढुलाई वाला बंदरगाह कौन बना है? तो कौन बना है? पारादीप बना है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? बेल्जियम में आयोजित हुआ है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो क्या नाम है? ई रा है। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जूडिस सुनीनावा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? विजय जैन जी ने जीता है। प्रेस सूचना ब्यूरो की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? शेफाली शरण बनी है। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अर्जुन एरिगैसी बने हैं। हाल ही में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जिन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो कहाँ लॉन्च की गई है? आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की गई है। किस राज्य के कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के मिला है। आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो किसने बनाया? केकेआर ने बनाया है। पहला स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर हैदराबाद ने बनाया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? मीना चंद्र को सम्मानित किया गया है। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया है? हार्दिक सिंह को नामित किया गया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। हाल ही में बिम्सटेक चार्टर का समर्थन किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? नेपाल ने किया है। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर किस देश ने बनाया है? तो किस देश ने बनाया है? रोमानिया ने बनाया है। हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, उनकी उम्र कितनी थी? तो कितनी थी? 114 वर्ष की थी। या कहाँ के रहने वाले थे? या वेनेजुएला के रहने वाले थे। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? अग्नि प्राइम का किया है। हाल ही में भारत के UPI लेन देन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 56% वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने की है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में DRDO ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल में शुरू की है। हाल ही में कहां मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी? तो कहां की जाएगी? दिल्ली में की जाएगी। हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? राकेश मोहन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो किसने पारित किया? इजराइल ने पारित किया है। नमस्कार दोस्त।